हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आर ऑर्डिंग वेयर तो नैदर हॉल फॉर वैलेंटाइन वीक अब इसमें जितनी भी ड्रेसेस हैं सारी वैलेंटाइन से रिलेटेड ही हैं तो जो भी चीज़ें टाइप पहन के दिखाऊंगी और इस बार मैंने कोशिश करी कि फ़ुटवेयर और बैग वगैरह भी साथ में दिखाऊं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए बाकी मर्जी आपकी आपको जैसे भी इसको पेयर करना हो तो आते हैं मेरे पहले प्रोडक्ट पर जो कि है ये बॉडी कॉन् ड्रेस ये जितनी भी ड्रेसेस हैं मैंने सारी अमेज़ॉन से परचेज़ करी है बहुत अफोर्डेबल प्राइस में तो जो ये बॉडी कॉन् ड्रेस है इसमें आपको कलर्स तो मिल जाएंगे काफ़ी ठीक है इसमें लेकिन जो इसकी लेंथ है आप देख सकते हो मुझे नीच से आ, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है बाकी इसकी लेंथ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे अच्छी लगी सही लगी अगर आपकी हाइट थोड़ी सी स्मॉल है तो आपको बहुत प्रॉपर आएगी और ज़्यादा तो जैसे कि एक बॉडी कॉन ड्रेस है तो बिल्कुल बॉडी फिट होती है ये बिल्कुल बॉडी के हिसाब से अपने आप को कर लेती है बॉडी हगिंग ड्रेस होती है तो ये जो ड्रेस है अगर आपका थोड़ा बहुत भी टमी है कुछ है तो आप टमी टकर पहन सकते हो अब तो बहुत सारी चीज़ें गर्ल्स को कंफर्टेबल करने के लिए आ चुकी हैं मैंने इसे हील्स के साथ पेयर किया है आप चाहो तो इसे कैसे भी पेयर कर सकते हो फ्लैट्स के साथ छोटी मोटी हील्स के साथ मैं थोड़ी हाई हील्स पहनना पसंद करती हूँ तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा हाई हील के साथ पेयर किया है बाकी अगर इसकी फ़िटिंग की बात करूँ फ़िटिंग इसकी बहुत अच्छी है बहुत कंफर्टेबल है और जो इसका ये नेक है आप देख सकते हो बिल्कुल राउंड नेक है बिल्कुल कंफर्टेबल है स्लीव्स बिल्कुल लॉन्ग हैं फुल हैं और आप चाहो तो इसके ऊपर आप कोई छोटी क्रॉप जैकेट भी वेयर कर सकते हो अगर आप इसे विंटर्स में वेयर कर रहे हो मैंने इसके नीचे जो है आ, विंटर लैगिंग पहनी है वुलन uh, इसका जो मैंने uh, दिया था लिंक इस पिछली वीडियो में पर आई थिंक स्किन कलर की लैगिंग आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है ये जो मैंने ड्रेस है फ़ोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ में परचेज़ करी है गाइस फोर नाइन्टी नाइन के हिसाब से ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है काफ़ी प्यारी है आप इसको आराम से कोई भी ईयर और आपका हीज़ बैक के साथ पेयर कर सकते हो तो जो नेक्स्ट ड्रेस है के साथ मैं ये वाली हीज़ पेयर करने वाली हूँ ये हीस मैंने अपनी इंगेजमेंट पे ली थी और कोव से ली थी तो वो तो आउट ऑफ स्टॉक ऑबियसली हो चुकी होंगी बहुत टाइम हो चुका है तो ये जो ड्रेस है पोलकट और ड्रेस है बिल्कुल प्लेन है सिंपल है तो ये जो ड्रेस मेरा इंक्लूड करने का जो पर्पस है इस हॉल में वो ये है कि हर कोई बहुत बॉडी फिटेड या शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनता लेकिन अगर आपको थोड़ा डिफरेंट लगना है तो आप इस तरह की ड्रेस पहन सकते हो अगर आप अपने डेट वगैरह पे जा रहे हो तो ये जो ड्रेस है बिल्कुल मतलब फ्लेयर वाली ड्रेस है नीचे से आप देख सकते हो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे फ्रंट में बटन्स दे हैं जो ओपन हो जाते हैं तो आप ऐसा श्रग भी इसे वेयर कर सकते हो पीछे इस पर बेल्ट दे रखी है जो कि आप पीछे करके ही उसमें नोट बांध दोगे मैंने इसमें नेक पीस पहना है और ये हील्स पेयर करी है मैंने हील्स काफ़ी थोड़ी हाई है तो जैसे कि मैंने कहा जैसे आप कंफर्टेबल हो वो फुटवेयर के साथ वेयर कर सकते हो ईयरिंग्स मैंने छोटे पहने हैं क्योंकि मैंने गले में इसमें नेक पीस पहना है बाकी फ़िटिंग की बात करूँ तो बहुत प्यारी फ़िटिंग है जैसी मॉडल पे आपको दिख रही है वैसे एग्जैक्टली प्रोडक्ट रिसीव हुआ है और इसके फैब्रिक की बात करूँ पिछले वाले प्रोडक्ट का फैब्रिक पॉलिएस्टर था इसका फैब्रिक इन्होंने मुझे वो दे रखा है रेयन बहुत कम्फर्टेबल फ़ैब्रिक होता है रेयन समर्स के हिसाब से और जो पोलका डॉट पैटर्न है कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता ये बहुत अच्छा लगता है हर किसी पे और लाइट पिंक कलर की ड्रेस है ये गाइस तो आप इसे आराम से वेयर कर सकते हो तो ये इसका वी नेक है जो बिल्कुल डीप नहीं है बिल्कुल सही है हल्की सी स्लीव्स हैं बिल्कुल मेगा स्लीव्स जैसी स्लीव्स दे रखी हैं पोलकट डॉट आप देख सकते हो वाइट कलर का दे रखा है पैटर्न पीछे इस तरीके से आप नोट वेयर कर लोगे इस तो मतलब बांध लोगे और अब मैं आपको इसके साथ एक बैग दिखा रही हूँ और ये मैंने इसके साथ बैग लिया है आपको थोड़ा सा दिखाया है कि किस तरह से आप इसे स्टाइल अप कर सकते हो इसे मैंने नाइन थर्टी फाइव रुपीज़ में परचेज़ किया था ड्रेस को तो आते मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर जिसके साथ मैं रेड हील्स पेयर कर रही हूँ जो भी हील्स हैं अगर मेरे पास मुझे मिला आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुई तो मैं उनके लिंक आपको दे दूँगी तो ये जो ड्रेस है इसमें आप देख सकते हो ये ड्रेस मैंने जैसी वेयर करी ना इसकी चैन ऊपर तक बंद ही नहीं हो रही थी तो ज़रूरी नहीं है मेरी ड्रेस में जो फॉल्ट आया वो आपकी ड्रेस में भी आया क्योंकि इसके रिव्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं अगर आप देखोगे अमेजॉन पे ऊपर से पूरा नेट है ड्रेस में आप देख सकते हो जहाँ जहाँ आपको मॉडल पर नेट दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही नेट है ऑब्वियसली मेरी चैन बंद नहीं हो रही थी इसलिए मैंने अंदर स्पैगेटी वेयर करी है और ये जो ड्रेस है इसकी लेंथ काफ़ी प्रॉपर है इसका जो फैब्रिक है वो पॉलिएस्टर है जो नेट है वो तो नेट फैब्रिक है ही इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है अगर आप थोड़ा पब वगैरह में जा रहे हो पार्टी वगैरह कर रहे हो ठीक है कर्पस पार्टीज भी होती हैं तो अगर आप इस तरह की पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हो या फिर आप अपनी डेट के साथ जा रहे हो आप आराम से इस्ट्रेस को वेयर कर सकते हो और जैसे कि स्लीवलेस है आपको ठंड लगती है तो आप कोई भी इसके ऊपर जैकेट वेयर कर सकते हो पीछे से इसकी फिटिंग काफ़ी प्यारी है काफ़ी अच्छी है चैन अगर पूरी बंद हो जाए तो उसके बाद इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आएगी इसका जो नेक दे रखा है इस तरीके से राउंड दे रखा है स्लीवलेस ड्रेस है ये जो जो और जो ये ड्रेस है काफ़ी कम्फर्टेबल ऑन स्किन अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से आप इसको किसी भी बैग के साथ पेयर कर सकते हो इस बैग में भी मतलब मैंने इस तरीके से, से लिया हुआ है आप चाहो तो उसकी बेल्ट इसमें अटैच कर सकते हो किसी भी बेल्ट की मतलब बैग की तो so, ये आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर जो कि है ये वाली ड्रेस uh, अगर मैं ये ड्रेस बोलूँ तो मुझे थोड़ा वैलेंटाइन के हिसाब से थोड़ा कम लगी बट द थिंग इज़ कि मैंने जो मॉडल पे देखा मुझे लगा एक्जैक्टली exactly वैसे रिसीव होगी पर ये उसके मुकाबले मुझे लूज़ है जिसमें कि मैंने स्मॉल साइज़ परचेज़ किया है हर ड्रेस में तो ये मुझे लूज़ है और लेकिन उसके बाद भी काफ़ी अच्छी लग रही है अगर आपके पास कोई ऐसी बेल्ट है जो ड्रेस पे वेयर करते हैं बीच में तो आप इस तरह की बेल्ट भी इसके साथ पेयर कर सकते थे थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देने के लिए बाकी इसमें ओवरऑल प्रिंट दे रखा है फ्रंट बैक स्लीवस पे नेक इसका बिल्कुल ही राउंड है बहुत छोटा सा नेक दे रखा है बाकी ड्रेस वैसे अच्छी है मैंने इसके साथ बेज कलर की हील्स पेयर करी हैं क्योंकि मेरे पास कोई डार्क ब्लू कलर की फीज नहीं है अभी तो मैंने बेज कलर कर लिया क्योंकि इसका बेसिक कलर जो है बेज ही है जो बेस कलर है और जो मेरे एयर रिंग्स है वो थोड़े से ना बड़े बड़े फूल हैं बहुत ही स्पार्कल वाले तो थोड़ा सा मैंने इसको पार्टी वेयर करने के लिए उस तरह से पेयर किया है तो आप इसका नेक देख सकते हो इसका प्रिंट देख सकते हो प्रिंट इसका काफ़ी ज़्यादा प्यारा है काफ़ी अच्छा प्रिंट है इसमें आपको एक दो कलर्स और अवेलेबल हैं वो मिल जाएंगे और इस टाइम आपका जो ये फैब्रिक है वो रेयन है और आपको ये इस टाइम फोर फोर्टी नाइन रुपीज़ में मिल जाएगी और मैंने भी इसे फोर फोर्टी नाइन रुपीज़ में ही परचेज़ किया है तो ड्रेस अच्छी है आप इसे बैग के साथ और जब ईयरिंग्स के साथ और मतलब फोटोवेयर के साथ पेयर करोगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी तो जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट ड्रेस नहीं पहनते उनके लिए भी मैंने इस हॉल में कुछ ड्रेस इंक्लूड करी है तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर जो कि है ये ब्यूटीफुल ड्रेस ब्लैक कलर की इसमें ए पैटर्न वाला शोल्डर वो दे रखा है पैटर्न जैसे मॉडल पर दिख रही है एक्जैक्टली वैसी रिसीव हुई है काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेस है ये और इसके साथ भी मैंने जो हीज़ पेयर करी हैं वो आपकी बहुत डार्क शाइनी महरून कलर की हील्स हैं और इसका जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ड्रेस का बहुत पार्टी वेयर ड्रेस के हिसाब से अच्छी है जो मैंने इसके साथ ईयरिंग्स पेयर करे हैं वो थोड़े से वैसे हैं जैसे कि इसमें छोटे छोटे से क्रिस्टल्स का वर्क है तो उस तरीके से मैंने इसे थोड़ा सा मतलब हाईलाइट किया है क्योंकि बेसिक जो ब्लैक कलर है उस पर कोई भी स्पार्कल वगैरह काम नहीं है इस ड्रेस के साथ भी थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई कि मैं इसे खुद से बंद कर रही थी वो हो नहीं रही थी मैंने और ज़्यादा झटके से बंद करी तो पीछे से इसकी चैन ही निकल गई मतलब बंद नहीं है चैन ऊपर से जो बटन से बस मैंने वो लगा रखे तो आप देख सकते हो पीछे से चैन खुली हुई है इसलिए तो मैंने इसके अंदर भी स्पैगेटी वेयर करी है इस ड्रेस के बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं मेरी साथ ये प्रॉब्लम हुई कि मैं अकेली थी जिसको मतलब चैन बंद करने के लिए बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी तो उसके लिए कोई और हेल्पिंग हैंड होता तो आराम से बंद हो जाती पर मैंने जैसे जोड़ लगाया तो खराब हो गई एक्चुअली तो चैन पढ़ भी सकती है तो मैं तो पढ़वाऊँगी चैन इसमें बाकी अगर मैं ड्रेस की बात करूँ तो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है बिल्कुल वैलेंटाइन के हिसाब से या आपकी बर्थडे के हिसाब से मतलब किसी भी पार्टी में आप पहन सकते हो आप किसी के बर्थडे में जा रहे हो या आपका अपना बर्थडे आप इसे वेयर कर सकते हो आप ड्रेस जा रहे हो आप जा रहे हो भी, कहीं भी जा रहे हो आप इसे आराम से वेयर कर सकते हो तो जो नेक्स्ट ड्रेस है उसके साथ मैं ये हीस वेयर करूँगी जो नेक्स्ट ड्रेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ गाइस वो ड्रेस थोड़ा एथनिक की साइड है तो जो लोग बिल्कुल भी शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनते पर उनको बहुत डिफरेंट दिखना है बहुत अच्छा दिखना है ब्यूटीफुल दिखना है उनके लिए ये वाली ड्रेस है आप जैसे मॉडल को देख रहे हो वैसे भी इसको पेयर कर सकते हो जैसे कि उन्होंने एक चोकर नेक पीस इसके साथ कर रहा है मैंने इसके साथ सिर्फ ईयर पहने हैं जो डार्क महरून कलर के बहुत बड़ा सा स्टार है जितनी भी आप एक्सेसरीज देख रहे हो ना वो सारी मैंने उससे ली थी क्लब फैक्ट्री से वो बहुत पहले बंद हो चुका है तो जो हील्स है वो डार्क महरून कलर की हील्स हैं और ये जो हीज़ है इसका जो फैब्रिक है वो आपका बिल्कुल वेलवेट वाला है बहुत प्यारा है तो मेरे को ये था कि मैं पूरा मतलब रेड इसको टोन दूँ जो कि बेस कलर इसका वाइट है तो मैंने महरून कलर की ही हील्स वेयर करी है और महरून कलर की ही इयरिंग्स वेयर किए हैं और ये बहुत प्यारी कुर्ती टाइप ड्रेस है गाइस ये बहुत प्यारी मैक्सी ड्रेस है इस पर पूरे पे धागे का काम है बिल्कुल जैसे कि लखनई कहते हैं ना जो मिलता है वो कुर्तीज आती हैं उस तरीके का पूरा धाई का काम है पास से दिखाऊंगी और सीक्वेंस का वर्क भी है हल्का हल्का तो क्या है कि बिल्कुल सिंपल फीकी ड्रेस नहीं लग रही है बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है गाइस ये मैं इसे आईडी रिकमेंड करूँगी आप इसे परचेस करो मैं जितनी भी आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ अफोर्डेबल रेंज में अच्छी हैं पर ये थोड़ा सा महंगा है ये वाला जो मैक्सी ड्रेस है पर इसकी फिटिंग की बात करूँ उसकी जो स्लीव पैटर्न है इसका जो नेक पैटर्न है बहुत ब्यूटीफुल है तो पास से आप देख सकते हो उस तरीके का इसमें वर्क दे रखा है हल्की हल्का सीक्वेंस आपको चमक रहा होगा और इस तरीके का धागे का, का काम है और ये पूरा पूरे में थ्रेड वर्क है स्लीव पे क्या फ्रंट में क्या बैक में क्या और जो लेस पैटर्न दे रखा है जो उसमें वो भी बहुत प्यारा लग रहा है ओवरऑल ये वाला जो मैक्सी ड्रेस है ना गाइस ये बहुत ही अच्छी आप जहाँ भी पहनोगे आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और सभी पूछेंगे आपने ये कहाँ से दी डेफिनेटली कह गह रही गहरी मैं बहुत प्यारी ड्रेस है अंदर इसके आपको कुछ स्पैकिटी वगैरह वेयर करनी पड़ेगी पीछे इसमें इस तरह का थ्रेड दे रखा है आप चाहो तो इस थ्रेड में ना कुछ लटकन वगैरह लगा सकते हो ऑक्सीडाइज लुक वाली जो अच्छी लगेंगी कुछ लोग तो आजकल क्या करते हैं ईयर रिंग्स को लटका लेते हैं ठीक है इसमें तो वो भी अच्छा लगता है मतलब लोगों को बहुत डिफरेंट हो चुके हैं बहुत स्मार्ट हो चुके हैं आजकल फोर्टी नाइन्टी नाइन रुपीस है मैंने इसे परचेस किया है गाइज उसके साथ से मुझे बहुत वर्दी लगी क्योंकि पूरे में थ्रेड वर्क है जो नेक्स्ट ड्रेस है उसके साथ मैं ये बूट्स वेयर कर रही हूँ ये भी वेलवेट वाले बूट्स हैं पूरा और इसमें भी ही्स दे रखी हैं मुझे हील्स जैसे कि पसंद है इस तरह की ड्रेस है ये थोड़ी सी पीछे से हाई लो पैटर्न है पीछे से लो है आगे से हाई है और जो इसकी स्लीवस है वो पूरी कोल्ड शोल्डर वाला पैटर्न दे रखा है ये भी बॉडी फिटेड ड्रेस है गाइज़ तो अगर आप इस तरह की ड्रेस पहनते हो तो उसके लिए ये ड्रेस बहुत अच्छी है आप पार्टी वगैरह के हिसाब से देख रहे हो और इसमें आपको डार्क ग्रीन ब्लू रेड पिंक ये सारे कलर्स मिल जाएंगे तो कलर चॉइस आपकी है मैं आपको सिर्फ फैब्रिक का एक रिव्यू दे रही हूँ तो अगर फैब्रिक की बात करूँ तो उसका फैब्रिक पॉलियस्टर दे रखा है काफ़ी कम्फर्टेबल है और ये इसका आप आराम से पार्टी वगैरह के ओकेजन पे इसे वेयर कर सकते हो अंदर आप इसके शॉर्ट्स वेयर कर सकते हो मैंने तो उसमें फूल लेगिंग्स वेयर की हैं गाइज़ वो आउट ऑफ स्टॉक है आप लोग उस पर मांग रहे हो मेरे से मैंने हर साइट पे भी देखा किसी भी साइट पे वो अवेलेबल नहीं है स्किन कलर में तो जो अमेज़ॉन पे है उस पर इस टाइम शायद ब्लैक और ब्लू ये दो कलर अवेलेबल हैं तो इस तरीके से मैंने इसे पेयर किया है गाइस और कोशिश करी है कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकूं अगर आपको ये हॉल अच्छा लगा हो मैं और ड्रेसेस हॉल लाने वाली हूं गाइस और ऑब्वियसली वैलेंटाइन से पहले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना और मिलती मेरी नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्दी तब तक के लिए बाय